जरा एक बार आप इमेजिन करके देखो कि आपको एक ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहाँ से निकलना तो दूर, वहाँ से निकलने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे हालात में आपके साथ क्या होगा? तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत 1973 में साउथ अफ्रीका से होती है, और इस समय अफ्रीका के अंदर काले गोरे लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था, और गोरे लोग काले लोगों पर काफी ज्यादा अत्याचार करते थे, जिस वजह से काले लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे आ जाते हैं। लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहाँ के कुछ अंग्रेजों ने कुछ लोगों को गोली मार दी, तो कुछ लोगों को जेल में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ सुख में मग्न गोरे लोग मौज कर रहे थे, जिन्हें काले लोगों की मौत की जरा भी परवाह नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, और हम उन्हीं गोरे लोगों के बीच में टीम एंड स्टीफन नाम के दो आदमियों को देखते हैं, जिन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही थी कि काले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस वजह से ये दोनों लोग काले लोगों की हक की लड़ाई लड़ने का सोचते हैं, जिस वजह से ये लोग ANC मतलब कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और उस कम्युनिटी का मकसद सब लोगों को एक समान दर्जा देना था, जिस वजह से टीम और स्टीफन मिलके दोनों शहर में जाके बम फोड़ते हैं, जिस वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता, बल्कि उसमें से पेम्पलेट्स बाहर निकलते हैं जिसमें लोगों को काले गोरे लोगों को एक समान दर्जा देने का मैसेज दिया हुआ था। लेकिन इन दोनों का प्लान यहीं पर फेल हो जाता है, और इन दोनों को पुलिस पकड़ के कोर्ट में ले जाती है, जहां पर टीम को 12 साल की तो स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद स्टीफन वहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, और उन दोनों को प्रीटोरिया नाम के एक जेल में डाल दिया जाता है। तब वहां का जेलर इन दोनों के पास आके इनसे कहता है कि तुम्हें गोरे लोगों के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी, जिसके बाद इन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। लेकिन टीम वहां के सभी दरवाजों को बड़ी ध्यान से देखता जा रहा था, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, और उसके दिमाग में 12 सालों तक यहां पे सड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। उसके बाद इन दोनों को अपने अपने सेल में डाल दिया जाता है। अब क्योंकि इन दोनों का सेल एक ही साथ था, जिस वजह से ये दोनों वॉल को नॉक करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। अगली सुबह उठ के जब ये खाना खाने के लिए जाते हैं, तो इन्हें वहाँ पर कैदी दो अलग अलग ड्रेसेस में देखने को मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे टीम की मुलाकात डेनियल नाम के एक आदमी से होती है, जो कि वहाँ पे उम्र कैद की सजा काट रहा था। वो टीम के पास आके उससे कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह काले लोगों के लिए आवाज उठाई थी, और वो उसे ये भी बताता है कि हम लोग ब्लू ड्रेस वाले लोगों के साथ नहीं बैठते, क्योंकि वो लोग एक नंबर के खूनी और रेपिस्ट है। तब टीम भी उसे बताता है कि हमें यहाँ पे 12 और 8 साल की जेल हुई है, लेकिन इतने दिनों तक हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। उसके बाद अगली सुबह डेनियल रनिंग के दौरान उससे दोबारा मिलता है, और वो उन्हें बताता है कि अगर तुम दीवार पार करके यहाँ से भागना चाहते हो तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की दीवार 20 फीट ऊंची है, और ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड की भी बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, और तुम यहाँ से सुरंग खोद के भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये जेल बहुत ज्यादा बड़ी है, और तुम घूम फिर के वापस से जेल के अंदर ही आ जाओगे। और इसलिए डेनियल उसे बताता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से भागने की कोई भी कोशिश मत करना। तब डेनियल के वहाँ से जाते ही एक लियोनार्ड नाम का आदमी उसके पास आ जाता है, और वो इन्हें बताता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का कोई भी प्लान बना रहे हो तो इस प्लान में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और डेनियल हर नए आने वाले कैदी के साथ ऐसे ही बर्ताव करता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से पहले भी कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग यहाँ पर पकड़े गए। लेकिन इन तीनों को बात करते हुए ऊपर से एक जेलर देख रहा था, जिसे इन पे डाउट हो जाता है। अब ऐसे ही देखते 23 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद रात में सारे कैदी सो जाते हैं, लेकिन टीम अभी भी बैठ के सोच रहा था, और वो जेल के सारे लोगों को बड़े ध्यान से देखता है, और वो हमेशा इस सोच में डूबा रहता है कि अगर वो सारे सेल की डुप्लीकेट चाबी बना ले तो वो यहाँ से निकल सकता है। जिस वजह से एक दिन नहाते समय वो अपने दोस्तों को लकड़ी की चाबी बनाने के बारे में बताता है, और कहता है कि इसकी मदद से हम यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन लियोनार्ड उसकी बात से यहाँ पे डिनाइट कर देता है, और वो कहता है कि एक तो डुप्लीकेट चाबी और ऊपर से लकड़ी की, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और हमारे पास लकड़ियों का भी कोई जुगाड़ नहीं है। जिसपे स्टीफन उसे कहता है कि वर्कशॉप से हम लकड़ियों का जुगाड़ कर सकते हैं। उसके बाद टीम को जब भी मौका मिलता था तो वो चाबियों को बहुत गौर से देखता था, और एक बार चाबी को देखने के बाद वो उसकी ड्राइंग बना लेता था, ताकि उसे हर चाबी का एक प्रॉपर शेप मिल सके। उसके बाद चुपके से टीम वर्कशॉप से लकड़ियां चुरा लेता है, और रात में सभी कैदी के सो जाने के बाद वो चाबी बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद एक दिन टीम अपने सेल की चाबी बना लेता है, और वो चाबी बहुत अच्छी तरीके से काम भी करती है। लेकिन अगला दरवाजा देखने के बाद टीम थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे का लॉक बाहर की साइड से था, जिसे देखने के बाद टीम थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद वो उसकी भी चाबी बना लेता है।
उसके बाद जब वो अपनी चाबी को चेक करने के लिए जाता है तो लियोनार्डो जेल की दूसरी तरफ पेरा दे रहा होता है। हालांकि उसकी दूसरी चाबी काम तो करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी चाबी को उस ताले में से बाहर निकालता है तो उसकी चाबी टूट के अंदर ही रह जाती है। तब लियोनार्डो उसे बताता है कि कोई जेलर यहाँ पे आ रहा है, जिसे देखने के बाद टीम काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो किसी तरीके से चाबी के टुकड़ों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाता। उसके बाद जब मुंगो नाम का जेलर वहाँ पर पहुंचता है तो सेल के दरवाजे को खुला देखने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सालों में उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब देखते ही देखते जेल के अंदर इन लोगों को 142 दिन हो जाते हैं और इनकी टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि सेल के बाहर वाले दरवाजे को हम कैसे खोले, क्योंकि वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खुलता था। तब लियोनार्ड टीम को बताता है कि हम एक रस्सी की मदद से उसे खोल सकते हैं, जिस पे टीम उसे बताता है कि खाली रस्सी के सहारे से चाबी लगाना हमारे लिए काफी नहीं होगा, बल्कि हमें उस चाबी को घुमाना भी होगा। अगली सुबह जब ये लोग सेल में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे मंगू नाम का जेलर आ जाता है और इन्हें एक मिनट से बातें करता हुआ देख उसे इन पर थोड़ा डाउट होता है, लेकिन पूछे जाने पर ये लोग कहते हैं कि हम बस ऐसे ही अपना काम कर रहे थे। तब टीम की नज़र झाड़ू की स्टिक पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद उसके माइंड में एक ख्याल आता है और वो सोचता है कि अगर हम किसी तरीके से चाबी को स्टिक में फंसा दे तो इसकी मदद से हम लोग को खोल सकते हैं। और टीम उस स्टिक के अंदर एक और लकड़ी को फिट कर देता है और वो उस चाबी को भी उसमें फिट कर देता है, जिसकी मदद से इसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। उसके बाद रात को जब टीम उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो किसी तरीके से लॉक को तो खोल लेता है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि झाड़ू की स्टिक से निकलने के बाद वो चाबी सीधा नीचे गिर जाती है और उसे इस बात का डर होता है कि कल कोई ना कोई गार्ड इस चाबी को जरूर देख लेगा। जिसके बाद टीम यहाँ पर दिमाग लगाता है और वो एक चिंगम को चबा के उसे झाड़ू की स्टिक में लगा देता है और उस स्टिक की मदद से वो चाबी को भी अंदर ले आता है। अगली सुबह जब ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो टीम अपने साथियों को ये सारी बातें बताता है, जिससे वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जब एक दिन टीम गार्डन में काम कर रहा था तो स्टीफन उसके पास वो सारी चाबियां लेके आता है और वो दोनों मिलके उन चाबियों को मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, क्योंकि गलती से भी जेलर ने अगर इनके सेल को चेक किया तो ये लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से जेलर को इन पे डाउट हो जाता है और वो इनके पास आकर पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जिस पर टीम उसे बताता है कि मैं पौधों में खाद डालने का काम कर रहा हूँ। और उसके वहाँ से जाने के बाद डेनियल टीम से कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ ठीक नहीं है और अगर गलती से भी तुम लोग पकड़े गए तो ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद रात में टीम एक बार फिर से अपने सेल से बाहर निकल के वहाँ के दरवाजों को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे और भी डुप्लीकेट चाबियाँ बनानी होगी। उसके बाद अगली सुबह टीम जेल के एक वर्कर से कागज का एक टुकड़ा मांगता है, लेकिन बदले में वो भी आदमी टीम से एक सिगरेट का पैकेट और साबुन मांगता है, लेकिन पेपर मिलने के बाद टीम भी उसके लिए एक सिगरेट और साबुन छिपा देता है। अब इनको यहाँ पे 296 दिन हो गए थे, जिस वजह से रात में लियोनार्ड और टीम उठ के आगे के दरवाजों को चेक करने के लिए जाते हैं कि आगे इन्हें और कितने दरवाजे पार करके यहाँ से भागना है। तभी ये लोग अपनी बनाई हुई चाबी से आगे का दरवाजा खोल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक मोटा गार्ड इनके तरफ आने लगता है, जिस वजह से ये लोग साइड में जाके एक दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वो मोटा आदमी इनके बगल से गुजरता है और उसे इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और उस गार्ड के वहाँ के जाने के साथ ही ये लोग दरवाजा खोलने लगते हैं। लेकिन तभी डेनियल जोर जोर से खांसने लगता है और खांस के इन्हें सिग्नल देता है और ये लोग भी डेनियल का सिग्नल समझ के दोबारा से उस दरवाजे के पीछे जाके छुप जाते हैं। और उस मोटे गार्ड के जाते ही ये लोग वापस से अपने सेल के अंदर आ जाते हैं और अपने सेल के अंदर आने के बाद टीम अपनी सारी चाबियों को एक जग के अंदर छुपा देता है। अब क्योंकि रात में ये लोग जगे थे, जिस वजह से टीम दिन में भी ज्यादा देर तक सोता रहता है। तभी मंगू नाम का जेलर टीम के पास पहुंच जाता है और वो टीम को बाहर निकाल के खुद ही उसके सेल को चेक करने लगता है। तभी उस जेलर के हाथ से वो जग गिर जाता है, जिसके अंदर टीम ने अपनी चाबियों को छुपा के रखी थी। और जब वो जेलर टीम से इस बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि इसे मैंने फोटो स्टैंड के लिए रखा है। वो जेलर झाड़ू के स्टिक को भी देखता है, लेकिन वो इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब ये सब कुछ देखने के बाद टीम भी समझ जाता है कि चाबियां सेल में छुपाना सेफ नहीं है, जिस वजह से वो अपनी चाबियों को अलग अलग जगहों पे छिपाने लगता है और वो अपनी चाबी को लाइब्रेरी के अंदर छुपा देता है। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है और ये लोग रोज रात को उठकर दरवाजों को चेक करने के लिए और उनकी चाबियां बनाने के लिए जाते हैं।
और देखते ही देखते ये लोग 15 दरवाजों की चाबियां बना लेते हैं। अब ये सब कुछ जानने के बाद डेनियल सारे लोगों को बताता है कि आप लोगों को भी यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हमने इस जेल की सारी चाबियां बना ली है, लेकिन यहाँ पर इन तीनों के अलावा और कोई भी भागना नहीं चाहता था। जिस पर डेनियल कहता है कि हम सब भागेंगे तो नहीं, लेकिन हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। डेनियल एक टूथपेस्ट में कुछ पैसे छुपा के टीम को दे देता है। अगले सुबह एक बार फिर से सब लोगों के सेल को चेक किया जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब इस जेल की पूरी जानकारी देने के लिए टीम एक कागज के टुकड़े को एक लकड़ी की मदद से स्टीफन की तरफ कर देता है, और ये वही कागज का टुकड़ा होता है जो टीम ने उस दिन उस वर्कर से मंगवाया था। और उस नक्शे को देखने के बाद इन्हें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि आखिर ये लोग कहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद टीम अपने सेल से बाहर निकलता है और वो जाकर स्टीफन और लियोनार्ड के सेल को भी खोल देता है। और जेल से बाहर निकलने के लिए ये लोग कुछ कपड़े भी वहाँ से उठा लेते हैं, जिसके बाद ये लोग एक एक दरवाजा खोल के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी डेनियल अपने सेल के एक लाइट को फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सब जगह की लाइट कट जाती है। और प्लान के हिसाब से सारे कैदी जेलर को वहाँ पे बुलाने लगते हैं और वो सब लोग अपने सेल की लाइट को ठीक करने के लिए कहते हैं, और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन तीनों को यहाँ से भागने का समय मिल सके। उसके बाद ये तीनों सारे दरवाजों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और सामने इन्हें इलेक्ट्रिक दरवाजा मिलता है जो कि कोई गाड़ी खोल सकता था। अब गार्ड भी वहाँ से निकल के जा चुका था, जिस वजह से लियोनार्ड गार्ड के कमरे में जाके उस दरवाजे को खोल देता है। अब इनके सामने जेल का सबसे आखिरी दरवाजा आता है, जिसे ये लोग अपनी सारी चाबियों से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोई भी चाबी उस लोग को नहीं खोल पाती, जिस वजह से लियोनार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा शोर होता है। लेकिन सारे कैदियों के हल्ला करने की वजह से कोई भी जेलर इनके शोर को नहीं सुन पाता और जल्दी से ये तीनों अपने कपड़े बदल के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे टीम एक मिरर की मदद से गार्ड को देखता है कि गार्ड कौन से डायरेक्शन में देख रहा है। और ये लोग धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये लोग रोड के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग चल रहे थे, और किसी भी गार्ड का इन लोगों पे ध्यान नहीं जाता। उसके बाद कुछ देर आगे जाके ये लोग भागने लगते हैं, और आगे जाने पे वो लोग एक टैक्सी पकड़ते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आखिरकार वो अपने प्लान में सफल हो गए थे। अगले सुबह मंगू जब सेल में सबको चेक करने के लिए जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो तीनों जेल से भाग गए हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ के सभी कैदी हंसने लगते हैं, क्योंकि वो तीनों उस जेल को पार करके निकले हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन था। और वो लोग साउथ अफ्रीका से निकल के सीधा लंदन पहुँच जाते हैं। और बाद में हमें ये पता चलता है कि इन तीनों को काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी ये तीनों कहीं पे भी नहीं मिले, और ये लोग लंदन जाके एक बार फिर से ANC ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद 1992 में साउथ अफ्रीका के अंदर काले गोरों का भेद खत्म हो जाता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।